लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज जयंती, देश भर में मनाया जा रहा है राष्ट्रीय एकता दिवस। पटेल की जयंती पर पीएम मोदी गुजरात के केवड़िया पहुंचे, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित की। केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस परेड का आयोजन, पीएम मोदी भी हुए शामिल, लोगों को दिलाई राष्ट्रीय एकता की शपथ। केवड़िया में पीएम मोदी ने कहा, बीते 10 साल का कालखंड देश की एकता और अखंडता के लिए उपलब्धियों से भरा रहा। पीएम मोदी ने कहा, हमारी सरकार के हर काम हर मिशन में राष्ट्रीय एकता ही प्रतिबद्धता दिखाती है। केवड़िया से पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला बोला, कहा वो देश को जात पात में बांटने की कोशिश में, वो नहीं चाहते भारत विकसित हो। पीएम मोदी ने कहा, वो लोग सेना को भी टारगेट करने लगे, सेना के अलगाव पैदा करना चाहते हैं ये लोग। पीएम मोदी ने कहा, देश तोड़ने और बर्बाद करने वालों को पहचानना होगा, चंद लोगों से मुकाबला करना होगा, देश में अराजकता बर्दाश्त नहीं। मोदी ने कहा, ये लोग देश का विभाजन करने में लगे हैं, एक तो सेफ हैं, इसे गलत प्रचारित किया जा रहा है, अब नक्सलियों के गठजोड़ को पहचानने की जरूरत। आतंकवाद को लेकर पीएम ने कहा, आतंकवादियों के आकाओं को अब पता है कि भारत को नुकसान पहुंचाया तो भारत उन्हें छोड़ेगा नहीं, आज नक्सलवाद भी भारत में अंतिम सांसें गिन रहा है। सरदार पटेल की जयंती पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्रद्धांजलि दी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और दिल्ली के उपराज्यपाल भी श्रद्धांजलि देते नजर आए। सरदार पटेल की जयंती, गांधीनगर में सीएम भूपेंद्र पटेल ने दी श्रद्धांजलि। सरदार पटेल की जयंती पर कुरुक्षेत्र में रन फॉर यूनिटी मैराथन का आयोजन, सीएम सैनी ने मैराथन को दिखाई हरी झंडी। चुनाव के बीच महाराष्ट्र में पोस्टर पॉलिटिक्स, मुंबई के बीजेपी कार्यालय में देवेंद्र फडणवीस का पोस्टर, लिखा प्रतीक्षा खत्म, 23 नवंबर को नए महाराष्ट्र की नई गाथा लिखने वो फिर आ रहा है। शिंदे गुट के सदा सवर्णकर को उतारने पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा, बीजेपी का स्टैंड क्लियर, अमित ठाकरे का करेंगे समर्थन। महायुति में थम नहीं रहा नवाब मलिक को एनसीपी अजीत गुट से टिकट दिए जाने का विवाद, बीजेपी के चुनाव प्रचार में मना करने पर नवाब मलिक ने कहा, जनता का समर्थन और विश्वास मेरे साथ है, चाहे कोई पार्टी मेरा विरोध करे। नवाब मलिक ने कहा, कोई मुसलमान नेता हो तो उसे आतंकवादी घोषित करना और दाऊद से संबंध होने का आरोप उस पर बहुत आसानी से लगा दिया जाता है। सरकार किसी की भी बने किंग मेकर, अजीत पवार ही होंगे, अनुशक्तिनगर से एनसीपी उम्मीदवार सना मलिक का बयान। अपने पिता नवाब मलिक के समर्थन में सना उतरी, कहा कितना कीचड़ उछाल लें वो निर्दोष साबित होंगे। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा, नवाब मलिक पर हमारी भूमिका स्पष्ट है। देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार को खुला पत्र लिखकर कहा कि नवाब मलिक को महायुति का टिकट नहीं मिलना चाहिए। अजीत पवार के परिवार तोड़ने के आरोप पर शरद पवार का पलटवार, कहा परिवार को जोड़ना उनकी जिम्मेदारी, लेकिन कोई गलत रास्ते पर जा रहा हो तो उसके साथ नहीं रहेंगे, उसका साथ नहीं देंगे। बारामती में शरद पवार ने एक जनसभा में कहा, अजीत को 4 बार डेप्यूटी सीएम बनाया, बदले में उसने पार्टी छीनी, सिंबल छीना, मुझे कोर्ट तक में खड़ा कर दिया। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, महाराष्ट्र में एमवीए गठबंधन, बहुत मजबूत जीत हमारी ही होगी। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले रांची में एक प्राइवेट स्कूल से मिले 1,15,99,980 रुपए, बीजेपी के एक स्थानीय नेता मदन सिंह का है स्कूल। पुलिस की रेड के दौरान स्कूल के वाइस प्रिंसिपल की अलमारी में पैसे मिले, आचार संहिता के उल्लंघन के तहत केस दर्ज कर पुलिस कार्रवाई में जुटी। झारखंड पुलिस ने इनकम टैक्स विभाग को दी रकम की जानकारी, इनकम टैक्स विभाग पैसों के सोर्स की करेगा पड़ताल। जेएमएम नेता मनोज पांडे का आरोप, बीजेपी के बागी उम्मीदवारों के लिए रखा था पैसा, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे बागी उम्मीदवारों को मैदान से हटाने के लिए होना था इस्तेमाल। असम के सीएम हिमंत बिस्व शर्मा ने की बागी नेताओं से मुलाकात, गुस्सा खत्म कर पार्टी के लिए काम करने की अपील की। हिमंत बिस्व शर्मा ने कहा, लोग हेमंत सोरेन के झूठे वायदों की हकीकत समझ चुके हैं, यदि बीजेपी के नेता एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे तो झारखंड में एनडीए की सरकार बननी तय है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आज पुण्यतिथि, दिल्ली में शक्ति स्थल पहुंचकर राहुल गांधी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। एलएसी पर आज से शुरू होगी भारत और चीन की सेना की गश्त, डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया हुई पूरी, देपसांग और डिंगचौक से दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटी। एलएसी पर जारी रहेगी सेना के ग्राउंड कमांडर्स की बातचीत, भारतीय सेना के सूत्रों के मुताबिक आज भारत चीन सेनाओं के बीच दिवाली की मिठाई का आदान प्रदान भी होगा। जम्मू में फॉरवर्ड लोकेशन पर गए वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, जवानों को हर वक्त सतर्क रहने पर जोर दिया। ग्वालियर में आज से आरएसएस के प्रचारकों की 5 दिवसीय बैठक, 554 प्रचारक बैठक में शामिल, 4 नवंबर तक चलेगी मीटिंग। दिल्ली हाई कोर्ट में बीजेपी सांसदों की याचिका, बुजुर्गों को आयुष्मान योजना का लाभ मिलने की मांग की। दिल्ली के एलजीवी के सक्सेना ने आयुष्मान भारत पर खोली पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की पोल, लिखा अपने नाम पर रखना चाहते थे योजना का नाम। एलजीवी के सक्सेना ने दिल्ली के हेल्थ मॉडल को प्रचार का जाल बताते हुए लिखा, आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में नहीं लागू किया गया जिससे लाखों लोगों को इसका लाभ नहीं मिला,
देश भर में आज मनाया जा रहा है दीपावली का त्यौहार। घरों मंदिरों में लोगों ने की सजावट। दीपावली के अवसर पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, देशवासियों को दीपावली की बधाई। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, देशवासियों को दीपावली की अनेकों अनेक शुभकामनाएं। मां लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की कृपा से सबका कल्याण हो, सभी के स्वस्थ और सौभाग्यपूर्ण जीवन की कामना। दिवाली के मौके पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में विशेष आरती का आयोजन, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। दीपावली के मौके पर अयोध्या में राम मंदिर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, दर्शन कर रामलला का लिया आशीर्वाद। अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर भी पहुंचे सीएम योगी, पूजा अर्चना कर बजरंग बली का लिया आशीर्वाद। अयोध्या में सीएम योगी ने महिलाओं को मिठाइयां बांटी, दीपावली की शुभकामनाएं दी। सीएम योगी ने दिवाली पर बच्चों को चॉकलेट बांटी, बच्चों के साथ बातचीत करते भी दिखे योगी। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का आयोजन, सरयू के तट पर जलाए गए 25,12,585 दीपक। अयोध्या में दीपोत्सव के मौके पर गिनीज बुक में दर्ज हुए 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड, सरयू के तट पर 121 लोगों ने किया आरती, घाट पर जले 25,00,000 से ज्यादा दीपे। दीपोत्सव समारोह में शामिल हुए सीएम योगी, राम मंदिर के बाहर मिट्टी का दिया जलाया। भक्ति में लीन उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ सरयू घाट पर आरती कर आशीर्वाद लिया। दीपोत्सव समारोह के दौरान जमकर आतिशबाजी हुई, सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी साथ रहे। अयोध्या के सरयू घाट पर लेजर एंड लाइट शो का आयोजन, रामलीला का किया गया वर्णन। अयोध्या में सीएम योगी ने भगवान राम का रथ खींचा, तिलक किया और आरती उतारी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामलला के दर्शन किए, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक साथ रहे। अयोध्या में सीएम योगी ने कहा, 8 साल पहले एक ही नारा गूंजता था, योगी जी एक काम करो, राम मंदिर का निर्माण करो। सीएम योगी ने कहा, 500 वर्षों का अंधकार खत्म करके रामलला आए, सनातन धर्म के लिए अयोध्या बस एक शुरुआत है। सीएम योगी ने कहा, सनातन ने किसी का हित नहीं किया है, सबको गले लगाया, माफिया की तरह ही सनातन के विरोधियों की दुर्गति करेंगे। अयोध्या में विपक्ष पर बरसे योगी, कहा कुछ लोग राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, ये वही लोग थे जिन्होंने राम भक्तों के लहू से सरयू को लाल किया। सीएम योगी ने अखिलेश यादव और शिवपाल यादव का नाम लिए बिना तंज कसते हुए कहा, काका और चाचाओं की जमात को पता, उनके काम भविष्य के लिए अच्छे नहीं होंगे। सीएम योगी ने कहा, अयोध्या में 2017 से पहले बिजली नहीं मिलती थी, आज पूरी दुनिया अयोध्या की चमक देखने आ रही है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद का आरोप, त्योहार का राजनीतिकरण कर लोगों को बांट रही है बीजेपी। दिवाली को लेकर यूपी सरकार का बड़ा फैसला, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर दोनों ही दिन सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान किया। उड़ीसा सीएम मोहन चरण मांझी ने प्रदेशवासियों को दीपोत्सव की शुभकामनाएं दी, वीडियो संदेश जारी कर सभी की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने असम में भारतीय सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाई, तेजपुर मेघना स्टेडियम में प्रोग्राम हुआ। जम्मू कश्मीर में LOC पर दिवाली का जश्न, भारतीय सेना के जवानों ने दिए जलाए। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सैनिकों के साथ दीपावली मनाई, पौड़ी गढ़वाल के लैंसडाउन कैंटोनमेंट में सैनिकों के साथ दिवाली मिलन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ के सीएम ने प्रदेश और देशवासियों को दिवाली की बधाई दी, कहा सभी को शुभ दीपावली, प्रार्थना है कि मां लक्ष्मी सभी के जीवन में खुशहाली लाए। दिवाली पर दियों और लाइटिंग से रोशन हुआ गुजरात का अक्षरधाम मंदिर, आज से 8 नवंबर तक मनाई जाएगी दिवाली। एक्टर सलमान खान को धमकी देने वाला गिरफ्तार, आरोपी मुंबई के बांद्रा का रहने वाला, 2 करोड़ की मांगी थी फिरौती। रेणुका स्वामी मर्डर केस में गिरफ्तार कन्नड़ एक्टर दर्शन जेल से रिहा, कर्नाटक हाईकोर्ट ने दी जमानत। अमृतसर में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया गैंगस्टर लंडा हरी के का साथी गुलशन, दूसरा साथी भागने में कामयाब रहा। गुरुग्राम में गोल्फ कोर्स रोड पर स्पीड ब्रेकर पर हवा में उछलती गाड़ियों नजर आईं, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। स्पीड ब्रेकर का वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में प्रशासन आया, सड़क के दोनों तरफ वार्निंग बोर्ड्स लगाए गए, स्पीड ब्रेकर पर जेब्रा क्रॉसिंग बनाई गई। दिल्ली में खतरनाक स्तर पर प्रदूषण का लेवल पहुंचा, आनंद विहार इलाके में 418 दर्ज किया गया AQI, सांस लेने में हुई मुश्किल। त्रिपुरा सरकार ने DA में 5% बढ़ोतरी की, 2,00,000 कर्मचारी पेंशन भोगियों को मिलेगा इसका फायदा। नयनतारा बियॉन्ड दी फेरी टेल 18 नवंबर को होगी रिलीज, OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आएगी। हॉरर फिल्म थामा में साथ नजर आएंगे आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना, फिल्म मेकर दिनेश विजन ने किया अनाउंस। IPL के मेगा ऑक्शन से पहले आज शाम 5 बजे सभी टीमों के रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट आएगी सामने, 6 खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती हैं टीमें। IPL में एक बार फिर RCB की कप्तानी कर सकते हैं विराट कोहली, रिपोर्ट्स के मुताबिक मैनेजमेंट के साथ बातचीत के बाद कोहली कप्तानी के लिए तैयार है।